अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पायनियर अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट अपने जो है अपवर्क अकाउंट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपने सिंपल यहाँ से सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गेट पेड का, और हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस नज़र आने लग जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट मेथड्स मौजूद है। मैंने पायनियर है वो ऑलरेडी मैं अटैच कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता ही पाऊंगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इन तीन के अलावा पायनियर भी आपके सामने शो हो रहा होगा। सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप, वहाँ पे भी सेटअप लिखा हुआ है। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी पायनियर अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से पायनियर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने जस्ट लॉगिन कर देना और आपका अकाउंट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट फुली फाइनल हो जाएगा, और 3 दिन के बाद आप अपवर्क से पायनियर के अंदर बैंक जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन रहा। सिंपल यहाँ पे हमने सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे ये स्विफ्ट कोड मांगेगा। ये स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, हम अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो हमें हमारे अकाउंट का स्विफ्ट कोड दे देगा, वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे आप किसी ये आपके आईबीएन नंबर मांगेगा। आईबीएन भी आपको आपके बैंक अकाउंट से ही मिल जाएगा, सॉरी बैंक वाले ही आपको दे देंगे। तो वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद सबमिट कर देना और आपका पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपकी जितनी भी पेमेंट यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल होगी, जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल आपने इस पर गेट पेड पे करना और वो आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके उस स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में चली जाएगी। मेरा यहाँ पे पायनियर अकाउंट अटैच है, तो अब अगर मैं गेट पेड करूँगा तो ये वाली अमाउंट इस पायनियर अकाउंट के अंदर चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।